2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव लगा हुआ है। आइए देखते हैं विज्ञान महोत्सव। तो मिस्टर धीरज शर्मा, आपने क्या बनाया, प्लीज इसकी थीम बताइए। मैम, हमने इस समय गणितीय प्रतिरूपण पे शैक्षिक, हमारा टॉपिक है शैक्षिक खेल एवं गणितीय प्रतिरूपण। तो इस समय उत्तर कुंजी बनाई है। उत्तर कुंजी का ये थर्ड मॉडल है, उत्तर कुंजी 3.0 इसका मैंने नाम रखा है। मैम, देख सकते हैं कि मेरे आगे ये एक मॉडल रखा हुआ है। इसमें आपको ऊपर की लाइन पे ये है LED है, इसमें लिखा है धीरज शर्मा। जैसे कि कुछ और इसके अंदर मैं, आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट या कोई भी टीचर बताना चाहता है, पर लेकिन मैम देखा होगा कि वो वैसे बच्चों को सिखाता है जो विकसित है, पर लेकिन मैम इसमें मैं दिव्यांग बच्चों को भी लेके अपने साथ चल रहा हूँ। मैं जैसे कि गोले का पृष्ठ क्षेत्र पर, गोले का पृष्ठ क्षेत्र हमें पता नहीं है, मैं मुझे भी पता नहीं है ना आपको पता है, तो मैम हम कैसे सिखाएंगे कि बच्चों को गोले का पृष्ठ क्षेत्र कैसे होता है? ये भी सही नहीं है, ये देखिए मैम, इसमें आपके गोले का पृष्ठ क्षेत्र निकला 4πr². यस। ऋतिक कुमार, आपने क्या बनाया हमें बताइए। मैंने एक लाइट डिटेक्टर मशीन के सिद्धांत से की ऐसी मशीन बनाई है जो सही आंसर में इसमें लाइट जलती है। जैसे अमृतसर में, जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो इसमें स्वर्ण मंदिर में ही लाइट जलेगी। सर कोई सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, तो इसमें जलेगी। जैसे जयपुर गुलाबी शहर कहा जाता है, इसमें लाइट जलेगी और किसी में नहीं। अच्छी, ये आपने क्या बनाया उसके बारे में हमें बताएंगे। सर, ये हेलीकॉप्टर है जो विद्युत मोटर से चलेगा, और विद्युत मोटर इस टाइप के कि हाई की जब विद्युत मोटर में हम ऊर्जा देते हैं तो ये ऊपर की ओर तीन पंखों में घुमा इससे ऊपर की ओर। इसका आप डेमो दिखा सकते हैं? हाँ, खत्म हो जाए बाई चांस, तो उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं भावी पीढ़ी के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसका? सोलर पैनल का इसलिए कि ईंधन, मतलब ये सोलर पैनल से ही आपका नाम क्या है? सागर फर्तियार। कहाँ से हो? जी आई सी लगेंगे गाँव। अच्छा, आपने क्या बनाया, आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, ये मिक्सर ग्रूफर ग्राइंडर बनाया है। ये इसमें हम सूखे मसालों को पीस सकते हैं, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के मसालों को, और इसमें जूस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका आप डेमो दिखा सकते हैं हमें? हाँ, दिखाएंगे। इसमें मैंने धनिया डाल रखा है। अच्छा, ये तीसरा है, ये बैटरी द्वारा चल रहा है, और ये है ग्राइंडर। इसमें टीन को काट के इसके अंदर पत्तियां लगाई गई हैं। अच्छा, जैसे हम सभी को पता है आजकल ये मार्केट में सबको अवेलेबल है, तो फिर भी आपने इसे क्यों बनाया है? हमने इसलिए बनाया क्योंकि जब पुराने ज़माने में महिलाएं इसको हाथ से पीसा करती थी, इसलिए फिर इसका प्रयोग किया गया है।